पिछले दो भाग में आपने देखा कि कैसे राहुल अपनी पत्नी को आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भेजता है, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को पूरी तरीके से सपोर्ट भी करता है। लेकिन निहारिका पीठ पीछे अपने पति को धोखा दे रही थी। वो कॉलेज बंक करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती और इसकी भनक अब राहुल को लग जाती है। तब राहुल ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके रंगे हाथों निहारिका को पकड़ कर ही रहेगा। और अब आगे की कहानी। ऐसी एक रोज की तरह निहारिका फिर से रेडी होती है और कॉलेज जा रही होती है, तभी राहुल निहारिका से कहता है, क्या बात है निहारिका, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से तुमने तो मुझे पूछना ही बंद कर दिया है। अरे शुरू शुरू में तो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाता था और अब तुम मुझसे बिना कुछ कहे ही कॉलेज के लिए निकल जाती हो। लगता है पति से ज्यादा दोस्त ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं तुम्हारे लिए। ओ राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मैंने बताया था ना कि अब मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, इसलिए मैं अपने फ्रेंड के साथ ही कॉलेज जाती हूँ और वैसे भी शाम को लेने के लिए तो आप आते ही है ना। चलो कोई बात नहीं, पर हाँ पिछले एक महीने में तुमने जो सब पढ़ा है ना वो शाम को तुमसे पूछूंगा, अपना दिमाग और नोट्स तैयार करके रखना। राहुल आप मेरे पति हो, प्रोफेसर बनने की कोशिश मत करो, कॉलेज में वैसे ही प्रोफेसर दिमाग खाते रहते हैं और आप घर आते ही प्रोफेसर मत बन जाया करो। ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का, और दूसरी बात ये कि कॉलेज में प्रोफेसर तुम्हारा दिमाग खाता है। अरे अपने गुरु की इज्जत करना सीखो, अगर तुम अपने गुरु की इज्जत नहीं करोगी तो मेरी इज्जत क्या खाक करोगी। निहारिका की बात राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और निहारिका भी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी राहुल की माँ आती है और वो अपने बेटे से कहती है, देख बेटा अभी भी वक्त है, मुझे ऐसा लगता है ना कि बहू अब हमारे हाथ से निकलती जा रही है। हमने बहू के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया था, मुझे ऐसा लगता है कि बहू हमें धोखा दे रही है। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। अरे माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज के आज ही मैं निहारिका के कॉलेज का फैसला करके रहूंगा, या तो वो कॉलेज जाएगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए घर में रहेगी। ऐसे ही रोज की तरह फिर से निहारिका अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की पूरी छुट्टी करके आउट ऑफ सिटी चली जाती है, जहां लोग कार में बैठकर एक लंबे टूर के लिए चले जाते हैं। तभी निहारिका गाड़ी में बैठे बैठे अपनी दोस्त कीर्ति से बोलती है, यार कीर्ति पता नहीं क्यों मेरा मन आज बहुत घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी ऐसा प्लान नहीं सोचा है जिससे मैं बच पाऊं। अब तू बताना मैं अपने पति को क्या बोलूंगी, वो तो रोज शाम को मुझे लेने आ जाते हैं। अरे निहारिका मेरे पास एक आइडिया है, देख तेरा पति मुझे तो जानता नहीं है और ना ही मेरा घर देखा है उसने, तू अपने पति को कॉल करके बोल दे कि तू मेरे घर है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए तुझे मजबूरन मेरे घर जाना पड़ा। अरे वाह आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो अब हम लोग अपनी कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय करते हैं। हाँ और वैसे भी 3 से 4 घंटे का रास्ता है तो हम लोग आराम से रात 9 बजे तक घर आ जाएंगे, टेंशन नोट मेरी प्यारी निहारिका। निहारिका और कीर्ति बाकी दोस्तों के साथ कार में बैठकर टूर के लिए निकल जाते हैं। इस बार निहारिका और निहारिका के दोस्तों ने सुबह से ही कॉलेज बंक किया था और वो लोग फाइनली अपने रिजॉर्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, वहां जाकर वो खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही शाम को 4 बजे लोग घर वापसी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होती ही निहारिका बहुत परेशान हो जाती है। ओह शिट, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? यार कीर्ति तुझे तो पता है ना, अगर मेरे पति को पता चल गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। निहारिका की बात से कीर्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो निहारिका को 2-4 बातें सुनाने लगती है और उससे कहती है, अरे यार निहारिका तूने ये फालतू का रोना धोना शुरू कर दिया, अरे हम भी तो परेशान है ना, और अगर तुझे इतना ही डर लगता है तो मत आया कर हमारे साथ। अरे यार तू कैसे ऐसे बोल सकती है मुझे, मैं तो तेरे भरोसे आई थी ना, मुझे क्या पता था कि रास्ते में ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार है, थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ना मुझे। देख ये कहना बंद कर दे कि तू मेरे भरोसे आई थी, अरे भाई तू कोई बच्ची थोड़ी ना है कि तुझे किसी चीज के लिए कुछ पता ही ना हो, मजा तो तुझे भी बहुत आ रहा था ना ये सब करने में, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ तो बार बार ये फालतू की बातों से मुझे और मत परेशान कर। यार कीर्ति तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, अब ऐसे सिचुएशन में तुम मुझसे ऐसे बातें करोगी क्या? अरे यार कीर्ति किस गवार को हमारी दोस्त बना दिया तुमने, अरे जब से हमारे ग्रुप में आई है ना तब से ना हमें बहुत ज्यादा टाइम को मैनेज करना पड़ता है, निहारिका इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आज रात को घर नहीं जाएंगे तो कल सुबह चले जाएंगे। लेकिन रोहन मैं तो अपने पति से झूठ बोल कर आई हूँ ना, मैं रात भर यहाँ तो नहीं रह सकती हूँ। अपने पति को फोन कर और सारी सच्चाई बता दे और अपने पति के साथ अपने घर चली जा। और कीर्ति ना बिल्कुल सही कह रही है,
तुम ना अपने पति के साथ जाओ, हम लोग को एंजॉय करने दो यार। हर छोटी छोटी बातों में ना टेंशन देती रहती हो। निहारिका बेचारी परेशान हो जाती है और बार बार राहुल अपनी बीवी को कॉल कर रहा था। और ऐसे ही रात के करीब 8 बज जाते हैं। निहारिका बुरी तरीके से डरी हुई थी, तो वही दूसरी तरफ कीर्ति उसकी बाकी फ्रेंड ड्रिंक करके यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। निहारिका अकेली थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर में उसने अपने पति राहुल को कॉल करके सारी बात बता दी, जिसके बाद राहुल अपनी बीवी को लेने के लिए आ जाता है और वो निहारिका को लेकर सही सलामत घर पर पहुंच जाता है। घर आते ही राहुल अपनी पत्नी से कहता है, अच्छा तो मतलब ये सब चल रहा था, मुझे तो पहले से ही शक था निहारिका, पर क्या करूं, मैं इतना विश्वास करता था तुम पर इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, पर जिस दिन तुम अपने दोस्तों के साथ क्लब गई थी ना, उस दिन मुझे पता चल गया था कि तुम आए दिन कॉलेज को बंक करती हो। राहुल जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस शहर की चकाचौंध में मैं इतनी अंधी हो गई कि मैं ये भूल ही गई कि आप मुझ पर कितना भरोसा करते हो। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि घर की बहू को लिमिट में ही रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग कब सर पे चढ़ जाए पता ही नहीं चलता है। सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आगे से दोबारा ये सब नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है वो गलत है, अपने कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी। तुम आगे से कॉलेज ही नहीं जाओगी तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आएगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, या तो तुम अपनी मर्जी से कॉलेज जाओ, या फिर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके, और या फिर अपने ससुराल में रहकर अपने ससुराल वालों की देख रेख करो, क्योंकि तुम्हारे बस की अब कुछ नहीं है। सोच ले बहू, अब तुझे क्या करना है, क्योंकि अब तो हम तुझे दोबारा कॉलेज भेजने वाले नहीं है, और अगर तू हमारे खिलाफ जाकर कॉलेज जाना चाहती है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुझे हमेशा के लिए अपने मायके ही जाना पड़ेगा। सासू माँ मैं अब दोबारा कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर आप लोगों की देख रेख करूंगी, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए कॉलेज जाना ही छोड़ती हूँ। ठीक है, फिर हमने तुम्हें माफ किया, अब तुम्हें कल से कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भरोसा उसी पर किया जाता है जो भरोसे के लायक हो। अब आगे से मुझे तुम पर भरोसा करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कभी भी मुझे धोखा दे सकती हो। राहुल की बात से निहारिका रोने लगती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भरोसा तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसे बनाना बहुत मुश्किल है। राहुल आंख बंद करके पागलों की तरह अपनी बीवी पर भरोसा करता रहा, और निहारिका ने कॉलेज की मस्ती के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दिया था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।